अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रहील और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक मिनी एयर कूलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिनी एयर कूलर, ये आप खुद बना रहे हैं या कहीं से मंगवाते हैं? नहीं, ये हम मंगवाते हैं गुजरांवाला से। ये गुजरांवाला की मैन्युफैक्चरिंग है। ये इसमें स्टील का भी होता है, जो क्या नाम है उसका, प्लास्टिक का भी होता है, और जो पेटी वाली चादर होती है ना उसका भी। तीन किस्म के कूलर होते हैं। तो जो पेटी वाली चादर होती है ना उसके साथ हंस वाला कूलर आता है, जो स्टील वाला होता है उसके साथ पैड होता है, और जो प्लास्टिक वाला, जो कि अब नई टेक्नोलॉजी आई है आइसबॉक्स वाली, उसके साथ आइस जेल भी होती है। उसका मकसद ये होता है कि बर्फ़ की जगह अगर आप आइस जेल रख देते हैं ना तो पैड को ज़्यादा कूलिंग, यानी कि पैड वैसे ही कूलिंग करता है लेकिन आइस के साथ बर्फ़ का काम करके पानी मज़ीद ठंडा होगा और मज़ीद कूलिंग करेगा उसके साथ। यानी कि प्लास्टिक वाला जो है ना अब की टेक्नोलॉजी आइस जेल वाली, यानी कि प्लास्टिक वाला बेहतर है। अब जो लोहे के और स्टील वाले पहले आते थे ना उससे ये बहुत दर्जे बेहतर है। और स्टील का चूँकि पहले आपको पता है लीकेज वगैरह बॉर्डर शार्प होते थे, लेकिन ये डाई वर्क बना हुआ है, बड़ा स्मूथ सा, मूविंग भी है। स्टील में मूविंग भी नहीं थी, इसमें मूविंग भी है। तो यह कि बहुत दर्जे बेहतर है पहले की नस्बत ये प्लास्टिक वाला। इसकी ये जो साइडों पर ना हंस होती है ये आपको हर साल चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ये पानी के साथ ब्लॉकेज हो जाती है, इसके साथ इसके अंदर गंद जम जाता है, ठीक है। लेकिन जो अब की टेक्नोलॉजी है ना वो ये है, वो ये टेक्नोलॉजी है, ये होता है पैड, इसको कहते हैं कूलिंग पैड। इसका ये फ़ायदा है कि ये आपको हर साल चेंज नहीं करनी पड़ती। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसको आपने हर साल जो है ना तेज़ाब के साथ, जब आपका फाइनल हो जाता है ना, पीरियड आउट हो जाता है, तेज़ाब के साथ इसको साफ़ कर लेना है और बेहतरीन ऐसे का ऐसा ही न्यू रहेगा। आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कूलिंग उससे बहुत दर्जे बेहतर है। ये जो सिंपल कूलर है ना एक प्लास्टिक में, ये सिंपल है, यानी कि इसके साथ मूविंग वगैरह नहीं है। लेकिन कूलर ये भी अच्छा है। इसके दूसरे नंबर पे अगर आप देखें ना, ये वाला कूलर, ये है मूविंग वाला कूलर। इससे लोगों को ये एडवांटेज है कि अगर फॉर एग्जांपल दो बंदे बैठे हैं ना एक दूसरे के साथ, तो तीनों को हवा आ जाएगी, यानी कि जो सामने बैठा है उसको भी, जो राइट वाला और लेफ्ट वाला ना, दोनों को हवा आ जाएगी। ये मूविंग वाला उससे एक नंबर आ गया मॉडल। अगर मैं थोड़ा सा अंदर वाला सिस्टम आपको दिखाऊँ तो जनाब ये देखें, इसके अंदर आइस जेल वाला सिस्टम मौजूद है। ये जो बर्फ़ वाला काम है ना, बर्फ़ की जगह अगर आप इसको फ्रीज करके अंदर रख देते हैं ना तो ये बर्फ़ का ही काम करेगी। 3 से 4 घंटे इसकी कूलिंग रहेगी, साइडों पे इसकी ठंडक रहेगी, और जिसकी वजह से आपको हवा ठंडी आएगी। एम्पायर वालों का कूलर है ये, अगर आप देख सकें। असल में ये जो कूलर बनाए गए हैं ये सोलर पैनल के लिए, बैटरी के लिए, UPS की बैटरी के लिए, मोटरसाइकिल की बैटरी के लिए, या कार की बैटरी, यानी कि किसी भी किस्म की बैटरी के ऊपर या यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 12 वोल्ट पे आपने यूज़ करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी नहीं है, मोटरसाइकिल की बैटरी नहीं है, कार की नहीं है, सोलर की नहीं है, UPS की नहीं है, तो आप इसको अडाप्टर पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हम आपको अडाप्टर साथ देंगे ताकि जिससे अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप डायरेक्ट बिजली पे यूज़ कर लें, ताकि आपका काम चलना चाहिए। अडाप्टर होता गया, अडाप्टर का मकसद ये है कि ये 220 वोल्ट को 12 वोल्ट पे कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट 220 पे चलाएंगे तो फिर ये नहीं चलेगा। ये चूँकि 12 वोल्ट है तो ये इसका मतलब है कि 220 को 12 पे कन्वर्ट करना, यानी कि शिफ्ट करना, ताकि ये आसानी चल जाए। जो लोहे वाले कूलर होते हैं ना उसकी प्राइस है जनाब 3000 से 3500। जो अब ये प्लास्टिक वाला आया है ये 4000 का कूलर है, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं। और इसमें जो नई टेक्नोलॉजी आई है ना जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, मूविंग वाला विद आइस जेल, यानी कि मूविंग वाला विद आइस जेल और प्योर मटेरियल में, हाई क्वालिटी में, एम्पायर कंपनी ने नया ये बनाया, इस साल की टेक्नोलॉजी है ये, 5500 का। इसकी गारंटी भी है, गारंटी ये है कि इसकी जो मटेरियल की गारंटी है, लीकेज की गारंटी है, और अडाप्टर के साथ थोड़ा सा दे देते हैं ताकि मतलब कि अगर किसी ना, अल्लाह ना करे, अडाप्टर में कोई मसला मसाइल आ जाए, बस मोटर की गारंटी नहीं होती, क्योंकि 12 वोल्ट इंपोर्टेड होती हैं, सिर्फ मोटर की गारंटी नहीं होती, बाकी ओवरऑल मटेरियल की गारंटी है। आइस जेल के अलावा भी, ज़रूरी नहीं आइस जेल, इसके अलावा अगर आपके पास मतलब कि बर्फ़ वगैरह या बर्फ़ के कोले वगैरह, या बाज़ार से अगर आप बर्फ़ लेकर रख देते हैं ना आइस जेल के साथ ही, तो मज़ीद इसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, मज़ीद इसकी कूलिंग ज़्यादा बढ़ेगी। ये हमारी शॉप है ट्रंक बाज़ार सियालकोट, एशिया इलेक्ट्रो गैस हमारी शॉप का नाम है, ठीक है। यहाँ से आपको कंपनी का और हाई क्वालिटी का कूलर मिलेगा, कोई किसी किस्म की कंप्लेन नहीं होगी। ये गारंटीड है कि आप पूरे शहर से जहाँ से मर्जी पूछ लें, इंशाल्लाह आपको इस जगह से बिल्कुल एक नंबर चीज़ मिलेगी। हर चीज़ ओके होगी, हम टेस्ट करके देते हैं, बल्कि हम टेस्टेड ही करके रखा होता है शॉप पे, ताकि किसी किस्म की कंप्लेंट किसी को आए ही ना। नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा। इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहें आपका पाकिस्तान टीवी।